जगत है जग आयो, लोक सुनियो परलोक सुनियो, विदलोक सुनियो सब दर्शन पायो। संगत पारो तारन को गुरु नानक साहेब पंथ चलायो। वाहेगुरु श्री गुरु नानक साहेब, धार के मूरत है जग आयो। आद करो गुरुदेव को बंदन, वाहेगुरु मुख माहे उचारी। दोए कर जोर करो चरण पर, जाऊं सदा गुर को बलिहारी। कान सुने उपमा गुर की, गुर मूरत ध्यान हृदय में तारी। वाहेगुरु श्री गुरु नानक साहेब, सेवक शरण गही दरबारी। दंडौत बंधन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर बनास। हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन परगास। भू कुचरै शास्त्र खाट, पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लख बदरो सुन, जो काल कृपा कराए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार बख्शिश कृपालता का सदका, आप समूह संगत गुरु महाराज के पावन पवित्र दरबार की हाजरी भरते हुए चल रही लड़ीवार गुर इतिहास की कथा बड़े प्यार आदब सत्कार दे नाल ज्ञानी जी तो श्रवण कर रहे सी। भाई साहब भाई बाला जी ने धन धन साहब श्री गुरु अंगद साहब जी के हुक्म द्वारा कि आप जी महाराज दे नाल बाल सिखाई बचपन तो ही गुरु महाराज दे नाल रहे हैं, ते सारे कौतक नेत्रां तके हन। वो सारा इतिहास आप सानू सरवण कराओ। श्री गुरु अंगद साहब जी महाराज आप सरोते बने, मुखी सिख समूह संगतां खडूर साहब दे अंदर, और पैड़ा मोखा जो विद्वान लखारी श्री सुल्तानपुर लोधी विखे उन्हें बुलाया गया। तो भाई बाला साहब जी ने गुरु महाराज का सारा इतिहास सरवण करवाया। तो गुरु महाराज दियां समाधियां कई केंद्र लगदियां सी, फिर हजूर हुक्म करदे सी ये भाई बाला साहब जी ये सारा अमृत तुहाडे हिस्से विच आया, कृपा करो होर संगतां भी इस अमृत नूं कन्ना रूपी दुनिया ना पी के लाभ लै सकन। ये गुरु महाराज ने आप इतिहास लिखाया। भाई साहब भाई संतोख सिंह साहब जी ने इस इतिहास नूं काव्य रचना दा रूप दिता छंदाबंदी दा। उहदे नाल होर भी ये बड़ा स्वादला और सुहावना बन गया है। संपर्दा दे जो महापुरख है, जिथे धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की लड़ीवार कथा, दसम ग्रंथ और नानक प्रकाश सूर्य प्रकाश पंथ प्रकाश महिमा प्रकाश गुरपुर प्रकाश, इस तरह पंथ प्रकाश ये सारे इतिहास है, ते गुरबाणी ते वेदांत दे जो ग्रंथ है, ते भाई साहब भाई नंद लाल जी दी रचनावां, भाई साहब भाई गुरदास साहब कवित सोईए वारां,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੰਡਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖੰਡਨ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਦਾ ਪੌਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਮੂਰਖ ਵੀ ਕੱਟ ਦਏਗਾ। ਪਰ ਪੌਦਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। 100 ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਾਈ ਅਤੇ 10,000 ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, 1,00,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼, 1,00,00,000 ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਆਰੰਭ ਕਰਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਸੀਨੇ ਵਸੀਨੇ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਤਿਹਾਸ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ। ਦੂਸਰੀ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਅਜਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਆ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਦੇ ਜੋ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਸਲੀਅਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਟਕਸਾਲਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੰਗਲ ਬਦਲੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਗਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਆ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦੋਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਇਮ ਆ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਜਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਕਤਸਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ। ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਹੱਠ ਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੋਰਖ ਵੀ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਕੈਸੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਰੋ ਪੰਥ ਕਰੇ ਉਜਿਆਲਾ, ਕਿ ਜੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਥ 'ਚ ਲੈ ਆਈਏ,
जिन्हां ने सारे दिग विजय कीती है ते साडा सिद्धां दा पंथ संसार ते किवें प्रकाशमान होवेगा उहदी सोच देख लो। जिस तरह का भी उन्हें रिद्धि सिद्धि का जां ग्रंथां दी विचार दे प्रश्न उत्तर कीते है, मूल कारण सी भी किसे तरह अपने पंथ विच लिआंदा जाए। ते साडी सोच अज इह है कि पंथ दे विच जे कोई सियाणे पुरश टकसाली है उन्हां दी आलोचना करनी, ये नहीं कि अपने पंथ नूं चढ़दी कला विच लिआउण लई सियाणे पुरशां नूं सहयोग दिता जाए। पर बहुत कम स्टेजां जिथे वो कदर करदे ऐ, ये जिहड़ी स्टेज है क्योंकि इत्थे टकसाल नाल संबंधित सेवादार है, इन्हां दे अंदर शरदा भावना है ते जिहड़ी गुरु महाराज ने मर्यादा बनाई है पाठां संबंधी है और भजन बाणी वास्ते नितनेम रहत मर्यादा है जां कथा कीर्तन नितनेम की परंपरा यतन हुंदा कि आपां उस नूं उसे तरह ही सदा वेग रखिए जिवें गुरु महाराज ये संप्रदावां परंपरावां दे विच चला रहे है। सो इस करके भी गुरु महाराज की कृपा दे नाल ही सारा चलता है। धन धन साहब श्री गुरु रामदास साहब जी महाराज का अवतारपुर श्री दरबार साहब बड़ी धूमधाम दे नाल मनाया जा रहा है। जिथे भी गुरु के प्यार वालियां संगतां उत्थे भी अस्थाना ते ये गुरपुरब मनाया जा रहा। धन धन साहब श्री गुरु रामदास साहब जी महाराज का अवतार बाबा अरदास माता दया कौर जी सत्कार योग उन्हां दे ग्रह विखे 26 अस्सू 1591 बिक्रमी नूं होया। ते ज्ञानी जी ने भी काफ़ी इस संबंधी विचार दित्ती है। धन धन सच्चे पातशाह जिस तरह बाल लीला हुई लाहौर महाराज का जन्म स्थान है, हुण दोबारा उहदी सेवा कार सेवा वाले महापुरख करा रहे हैं। ते बासर के आ गए किस तरह विधि बहाना बनिया, धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी के चरणों च हाजिर होए, गुरु महाराज के दरबार विच सेवा मिल गई। सेवा दे विच सपन्न होए, कसवटी ते पूरे उतरे भाई पारो साहब डले वाले, बीबी भानी जी, धन श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह। पहला भाई पारो जी नूं हुक्म होया बौली साहब दे सामने मंजी साहब सवाए मान जिथे बह के महाराज उपदेश दिंदे हुंदे सी इत्थे सजो, कहिंदे महाराज आप गुरता गद्दी दा तिलक देना चाहुंदे आ, मैं गुरु बनना सिख बनना ही पसंद करदा। फिर महाराज ने कहा तां परमहंस परमहंस की पदवी दिती। फिर बीबी जी का नंबर आ गया, कहन लगे गुरता गद्दी घर दी घर च रह जाए, वह तां ही रहिंदी कि जे उन्हां दे पति देव गद्दी ते बैठन गज के बोलो बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सुवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजन हारै तारिया। सो 1622 विच नगर वसाया ते इहदा नाम गुरु का चक रखिया। 1634 दे विच सरोवर साहब की सेवा आरंभ की। धन धन साहब श्री गुरु अर्जन साहब जी ने संपूर्ण करके दरबार साहब गुरु महाराज का प्रकाश करके ते कथा कीर्तन की संगत पंगत परंपरा नूं होर मान सत्कार दिता। अज गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह का
अवतार पुरब ते महाराज की निम्रता देखो, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, हम कीरे करम सतगुर सरनाई, मौका राम नाम प्रगास। धन धन बाबा श्री चंद साहब जी आए ते गुरु महाराज ने यह दाड़ा इतना बधाया, चरण झाड़न लग गए आप दे महापुरखां दे चरण झाड़न दे। कहिंदे इस निम्रता ने सब कुछ लै गए। सो इस वास्ते फिर उन्हां दा जो दरबार है, डिठा सभ्या थाब नहीं तो दिजेहिया, बादो पुरखों दाते तां तू सोहिया, बसदी सगन पार नूप रामदासपुर, हर हां नानक कसम जाए नाया रामदास। गुरु महाराज का इतिहास विचारीए, सारी जिंदगी च किसे नू महाराज ने सराप नहीं दिता, श्री गुरु रामदास साहब जी ने बड़े वर दिते है, और दुनिया के बड़े अजूबे है। तो पर जदों तक दुनिया के सैलानी यात्रू दरबार साहब की यात्रा नहीं कर लेंदे, वह समझते कि संसार की यात्रा अधूरी है। गज के बोलो, कोई समय का चक्कर ऐसा चलिया कि साडे सिखां दे उत्ते मस्जिद में निगाह मिलाकर हमको मारा, मारन वाले की हिम्मत देखो, मारा भी खुदा के घर में मारा। किन्ने सिंह सिंघणियां शहीद होए, किन्नियां दी बेपत्ती हुई, फिर दिल्ली कानपुर बंकारो बिदर होया, अज तक सिख कौम नूं न्याय नहीं मिलिया, इंसाफ नहीं मिलिया। क्यों? तुहाडा इंसाफ जां तां निरंकार दे घर उपर सच्ची अदालत है, ते जां फिर अपना न्याय खालसा कई वारी आप ही लैंदा। गुरु महाराज ने बंदे बहादुर नूं भेजिया सी, ते न्याय तो उदों भी मिलिया नहीं, उन्हें फिर अपना न्याय आप ही लिया सी दोष्टां नूं सोध के। सो इस वास्ते फिर भी महाराज की कृपा, हुण देखो मुगलिया राज विच दरबार ढाए, सरोवर पूरे, पर यह खालसा पंथ महाराज की मेहर है, उन्हां दे राज विच सरोवर दरबारां की फेर सेवा हुई। वो तो इतिहासक प्रसंग सी, हुणे तुसीं सारा कुछ अखां नाल देखिया, फिर भी इन्हां दे राजकाल च खालसे ने फिर सेवा कराईआं चढ़दी कला विच, क्योंकि जिहड़ी कौम आ इह जींदियां दी कौम है, मुरदियां दी नहीं। कई वारी खड़ोत ते आउंदी है, पर महाराज ने खालसा पंथ खालसा प्रगटियो परमात्म की मौज, ये खालसा जिहड़ा अकाल पुरख की फौज है। सो इस वास्ते गुरु महाराज चरणा च अरदास करिया करो, साडियां त्रुटियां दूर करके चढ़दी कला, पंथ की चढ़दी कला बाबे बंदे बहादुर वर्ग नूं फेर भेजो, तो समा आवे, क्योंकि 850 साल का राज 8 सालां च जड़ां पुट के पहली वारी भारत च होया खालसा राज, सम्मत सिक्का ते मोर चलाई। ये गुरु महाराज की अपनी कला है। अरदास करांगे महाराज दे पंथ विच जिते मर्जी हो कृपा करके सेवा ले लन। सो इस वास्ते अज गुरपुरब भी है, ते वो दरबार साहब बहुत सारे सिंह सिंघणियां तुहाडे च मौजूद है इन्हां देशां च, कोई हालात इस तरह दे है कानून दे सकंजे कि तुसीं दर्शन करन वास्ते कीर्तन उत्थे दा भावें सुनदे हां चैलना ना, पर जो चरणा च बह के आनंद वखरा ही हुंदा तरसदे है। सो गुरु महाराज कृपा करनगे, चढ़दी कला बख्शिश करनगे। सो बाकी जिहड़े महाराज दे बचन आ कि दिल्ली तख्त पर बहेगी आप गुरु की फौज, छत्र प्रावै सीस पर बड़ी करेगी मौज, ये बचन तां पूरे होने हैं।
पर कदों जदों असी खालसे बन जाओगे। तो अज तुहाने मेरा ख्याल भी सिमरन का भी जाप का भी प्रोग्राम रख्या हुआ, सो इस करके समा सीमित ही है। तो इस करके सिमरन बारे भी थोड़ा बचन कर लीए। हूँ जी पहली अष्टपदी है उहदे विच काफ़ी बारे ने बरकत बख्शी है। इस करके ये अखर नाम है, नाम का आखरी अर्थ यह है संस्कृत के उसावना नन्ना नकार कन्ने चुड़ा ना अम आम नाम वैदिक शास्त्र विच रोग का लिखिया। जिहदा अभ्यास करने ना कोई मन बाणी शरीर का रोग ना रहे वो सतनाम है। सो इस वास्ते अज जाप करना बेअंत संगतां बड़े शौक और प्यार दे नाल इस समागम दे विच शामिल होंदियां, क्योंकि महाराज दा वचन है इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर जा कै वस है काम धेना। सो ऐसा हर त्याई है मेरे जीड़े तां सर्व सुख पाव है मेरे मन। जप मन सतनाम सदा सतनाम इहदा की लाभ होएगा। हलत पलत मुख उजल होई है नित त्याई है हर पुरख निरंजना। जिथे सतनाम जां करता पुरख कोई भी शब्द आ जाए वो मूल मंत्र दा बाजक समझ लेना। जिथे वाहे जां गुरु आ जाए वो गुरमंत्र दा मूल मंत्र दा आचारण। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की आरंभता सुल्तानपुर लोधी संत घाट गुरुद्वारे महाराज ने बख्शिश की है। ते गुरमंत्र करतारपुर रावी तो पार जदों पुछया ए महाराज तुहाडा माला मंत्र केड़ा, महामंत्र केड़ा, मूल मंत्र केड़ा, बीज मंत्र केड़ा, ते गुरमंत्र केड़ा, ये गुरु महाराज ने फिर कृपा की है। पांच अखरा, दस अखरा, बारह अखरा, सोलह अखरा, ते चौबी अखरा, छत्ती अखरा, ये सारा जड़ा सौ सखी है पुरानी उहदे विच सारा बेरवा दिता होया। ते वाहिगुरु शब्द की जिहड़ी व्याख्या वो सर्वलोक ग्रंथ दे विच काफ़ी विस्तार विच दर्शाई गई है। सो इस वास्ते माता अजीत कौर जी ने बेनती की सी, हे गरीब अनुवाज, पुराने योगी लोग जप तप करते सी, दस द्वार खुल जाता सी, उन्हां नूं अनुभव प्रकाश हो जाता सी, सारा कुछ दृष्टमान हो जाता सी। गुरु घर दे विच भी कोई ऐसा निजम है, कृपा करो। तो गुरु महाराज ने फिर कहा भी जिहड़ा मूल मंत्र है इहदियां 33 माला रोजाना, सर्वलोक दा पहरा ते अठीं पैरी भोजन करना, कड़ा प्रह दे करके अरदास करके ते कुंभ नारियल समग्री दा धूफ आसन बिछा के भूमि ते अरदास बेनती करके महाराज चरणा च आरंभ करना। ते इस तरह जे रोज़ देग होवे बहुत वधिया, नहीं आद मद ते संपूर्णता वेले 40 जां 41 दिनां च फिर वह 125,000 पाठ हो जाता। ते माता जी ने फिर यह साल जप किया दसी विधि के मुताबक। भावें माता जी का समर्थ है, ये सानू ज्ञान रोशन देन वास्ते महापुरख चोज करते हैं। फिर दसिया इतिहास विच कि माता जी ने सारा कुछ देखिया कि आनंदपुर साहब इस तरह हमले होने ते घेरे पैने, त्याग होना, साहबजादे सत्कारयोग माता जी की शहीदी
सिंह सिंघणियां पचंगिया ने शहीदियां चमकौर दे मुकसर दे फतेहगढ़ दे साके पे महाराज ये सुपना ही है जां सही है। कहिंदे बिल्कुल सही है, एवें ही होना। यह मूल मंत्र दे अभ्यास नाल तुहानूं सारा अनुभव हो गया। कहिंदे महाराज फिर मेरे तो ये बर्दाश्त नहीं होना। महाराज कहिंदे फिर तुसीं सचखंड चले जाओ जिथे श्री आनंदपुर आगमपुर है, इत्थे फिर माता जी ने लीला वरताई ज्योति जोत समाए। तो जदों पुछया भी अज माता जी आए नहीं, सिंघां नूं पुछया ये संगत दे विच दरबार च ढूंढ पाल हुई कि माता जी तो उत्थे सचखंड चले गए। वो अगमी लीला वरतौन करके उस जगह का ना आगमपुर है। हुण होला महला उत्थे संपूर्ण हुंदा, जिन्हें दल जांदे आ उत्थे संपूर्णता की अरदास हुंदी है, नाले होल गाड़े। सो इस तरह गुरमंत्र दा है जाप। श्रीमान संत बाबा सुंदर सिंह जी महाराज पिंडरांवालियां दे जो सत्कारयोग पिता बापू खजान सिंह जी, माता जी ने बेनती की महाराज पे बच्चों वास्ते पचंगिया लई अरदास। कहिंदे वी 1.25 लाख जप जी साहब का पाठ तुरी करो तो 1.25 लाख असीं करांगे। 36-36 लाख मूल मंत्र दा, गुरमंत्र दा 25,000 वेरी रोज करके बेअंत जाप करके गुरु ग्रंथ महाराज चरणा अरदास की। 2 फिर साहबजादे मिले श्रीमान बाबा सुंदर सिंह साहब जी, श्रीमान संत बाबा इंद्र सिंह जी, दोनों बाल ब्रह्मचारी रहे ब्रह्म ज्ञानी। ते आ किन्नी महान संपर्दा की कथा नवा गया। सो इस वास्ते भावें टकसाल दमदमी है, पिंडरा उन्हों का नगर से अपने परसनल खेत विच अस्थान बना के सेवा आरंभ की। वो जप तप कमाई ब्रह्म विद्या नाम जड़ा देखो किन्ना प्रचलित हो गया। बचन कहण का मतलब है कि महापुरखां दा लै लो, संत हरखवाल वाले लै लो। पुछया भी तुहाडा नितनेम महाराज, कहिंदे 15 सुखमणी साहब, 25 श्री जप जी साहब, 5 ग्रंथी दीआं बाणीआं दे 5 नितनेम रोजाना। कहिंदे सौंदे कदों सी? कहिंदे 12 साल धरती नाल कंड नहीं लाई, किते तुरे जांदिआं झूठ आ गया। तो कहिंदे नहीं, बाबा अतर सिंह मस्तुआणे वाला लै लो, 125 जप जी साहब कनोहे। श्रीमान बाबा जरनैल सिंह जी ने पूछया भी तुसी छोटी उम्र इन्ने फेमस किवें हो गए? कहिंदे 5 श्री जप जी साहब तो तुरे सी, 125 ते 151 ती पहुँच गए। गज के बोलो। ये बाणी का प्रताप है, बाणी च उही कला है। जे कमी आई तो साढ़े च आई है, तो जे अज भी आपां ये अवस्था धारण कर लीए तो महाराज जिहड़ियां कमियां पेशियां गवाईयां वो दूर कर देणगे। तो हुण नाम वास्ते थोड़े जिहा हिंट है ग्रंथां दे, वो माड़ा जिहा सांझे कर लीए फिर जाप कर लिओ। पहली गल तो यह है कि नाम का स्वरूप की है जो महापुरख दसते हैं। नाम दो तरह का होंदा, एक तो है वर्णात्मक जिहड़ा तुसीं बोल के अखरां का उच्चारण करदे हैं, जिले बार बार रिपीट करदे हैं उहदे च इक धुन पैदा हो जाती है। जिवें घड़ियाल ते डगा मारदे हैं बाद च एक धुन पैदा होंदी है, वो धुन जिहड़ी है साजां विच भी है। तुसीं गा के पढ़ो शब्द नूं एन प्यार ना उच्चारण करो, उहदे च भी हुंदी है धुन जिहड़ी है साडे ध्यान नूं आकर्षण करदी है। ते जदों ते आकार विरती हो जाती है फिर ध्यान टिक जाता। एक सावकल्प समाधि हुंदी, एक निरपकल्प हुंदी है। सावकल्प हुंदी है शब्द दी ओट लै के समाधि विच जाना, निरपकल्प है उदों फिर ये अखर खिर जाहेंगे वो अखर इन में ना है। फिर नाम का कारण, अजकल
ਲੋਕ ਸ਼ੰਕਾ ਵਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਾਪ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਮੀਨਜ਼ ਕਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਘੜੀ ਘੜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੁੱਚਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭਟਕਣ ਦਾ ਭੈ ਨਵੇੜਦਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦਾ ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ 6 ਸਭ ਠੂਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੈ ਵੈਸੇ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਬਾਦਰੂ ਹਾਂ ਆ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਭੈ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇਹ 4 ਬਾਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਧਮਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਂਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਭੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਜੜ ਨਾਭੀ 'ਚ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵ ਹੈ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਫਿਰ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਰੇ ਜਰੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਹੰਗਰਹਿ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਅਹੁਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਾਮੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸਾਏ ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿਚਰ ਦਾ ਬੜਾ ਡਰ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਗਨ ਸ਼ਕੁਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬਹਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਰਗੇ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਤੇ ਹੁਣ 8 ਘੰਟੇ ਕਿੱਥੇ ਬੀਤਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭੈ ਵੀ ਬੜਾ ਬਸ ਉਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਰਕਲਾਂ ਦਿਆਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਈ ਵੀ ਤੁੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਤੇ ਦੰਦ ਘਸਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਬਸਤਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਆ ਜਾਇਓ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਔਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਬੈਲ ਹਮਾਰੇ ਸਾੜ ਸਤੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਪੱਤਰੀ ਹਮਾਰੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਰਨ ਮਾਰ ਲਿਆਵੇ ਛੇਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਔਖਾ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਬਿਸਰਿਆ ਮਰ ਜਾਓ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਸਮਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੈ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਬੀ ਸੀ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ
हाजरी भरने हैं प्रबंधकों का समूह संगतों का बहुत बहुत धन्यवाद सबनों जी आया गुरु महाराज कृपा कर सबनों नाम दान सिखी दान भरोसा तंदुरुस्ती बख्शन खालसा पंथ नूं चढ़दी कला एकता पाक प्यार बख्शन भाई साहब भाई दलजीत सिंह जी बड़ा उद्यम करते हैं तो जड़ा ये जापदा तो सारे ग्रंथी सिंह रागी सिंह सेवादार प्रबंधक भी संगतां भी बड़े उत्साह प्यार दे नाल आके गुरु महाराज के चरणों से लाभ लेंदे तुहाडी हाजरी गुरु नानक पातशाह के रजिस्टर च लगती है तीनों एवें किवें ना समझो ये मतलब एड्डी वड्डी गल है जड़ा ये जाप करना क्योंकि इहदी व्याख्या करिए फिर तो बहुत वड्डी हो जाती है इन्हीं बेनतियां प्रवान करो आओ हुण आके जाप जड़ा आरंभ करो तो गुरु महाराज कृपा करे आ जाते एक धारना पढ़ लो नाम जपिए तां दूर हुंदे दुखड़े सेवा करके मान पाईदा प्यारे जी सेवा करके मान पाईदा नाम जपिए तां दूर हुंदे दुखड़े सेवा करके मान पाईदा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।